यस बच्चों, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.4 एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सीखी थी, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने सीख रहे हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले भी मैंने आपको बताया था 11. इस चैप्टर में 11.1 एक्सरसाइज, 11.3 एक्सरसाइज, 11.4 एंड 11.5 भी कर रहे हैं हम लोग। 11.2 भी कटता है हमारे सिलेबस से और 11.6 भी कटता है। ओके, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना 11.4 एक्सरसाइज में बाय वेरिएबल सेपरेबल। इस एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होगा। वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल ही सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मतलब जैसे लाइक दिस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अपने को डिफरेंशिएशन करना होता है। वेरिएबल सेपरेबल करने का मतलब होता है सबसे पहले डी वाई और डी एक्स आपस में सेपरेट होते हैं। डी वाई यहाँ ऊपर पड़ा रहने दिया और डी एक्स को ऊपर भेज दिया। कभी भी डी एक्स को यहाँ नीचे नहीं छोड़ना और डी वाई को उधर नीचे नहीं भेजना, इसलिए हम डी वाई को यहाँ रखते हैं और डी एक्स को उधर भेज देते हैं। और अपने हर क्वेश्चन में हम डी वाई इधर ही रखेंगे और एक्स वाले उधर ही रखेंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो वाई इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म में होते हैं, इसलिए वाई आपका इधर ही रहना चाहिए। अब क्या करना है, डी वाई इधर बैठा है, डी एक्स उधर बैठा है, अब आपको टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड करना है। इंटीग्रेट बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, इधर भी और उधर भी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपकी सारी इंटीग्रेशन की रिविजन हो जाएगी। लगभग वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई से तो आप जानते हैं वाई होता है, टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। टेंजेंट स्क्वायर के लिए तो टेंजेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी लगानी पड़ती है हमारे टेंथ वाले, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन। अब हम सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, वो होता है टेन एक्स और वन का एक्स और प्लस सी, तो लगाना है वो सिर्फ उधर वाली साइड लगाना है, इधर नहीं लगाना होता कभी। बस यही तो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो बन जाएगा, चेक कर लो, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, tan का डेरिवेटिव secant square होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, secant square माइनस 1 को tan square बोल सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो डेरिवेटिव किया जाता है, सॉल्व करनी हो तो इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, बस यही इस एक्सरसाइज का, सारी एक्सरसाइज का फंडा है। इसमें बहुत इतने मात्रा में समय, इतने ज़्यादा समय है कि आप प्रैक्टिस करते करते मतलब आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपकी इंटीग्रेशन की रिविजन हो जाएगी। अब डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करने के लिए सबसे पहले साइन इनवर्स हटाना पड़ेगा। साइन इनवर्स हटाने के लिए साइन इनवर्स तो इधर से उधर जाके साइन एक्स हो जाएगा। अब ऊपर वाले सम की तरह डी वाई यहाँ पड़ा दिया, साइन एक्स के साथ डी एक्स पहुँच गया। अब इंटीग्रेशन लगाया, अब वन का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू वाई से वाई हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेवन क्वेश्चन तक, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेवन क्वेश्चन तक लगातार ऐसे ही सम चलेंगे, और एट्थ क्वेश्चन में फिर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसी होगी, मान लो आपको यहाँ पे दे दिया कि एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू वन है, एक्स जीरो वाई वन, तो आपने ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे दी, ऊपर बोला भी होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे लास्ट में यहाँ तक सारा काम करके ये जब बन जाएगा इसमें आप वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो डाल दो, y 1 डाल दिया और x की वैल्यू 0 डाल दी, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 1 होती है, 1 माइनस का इधर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, c की वैल्यू 2 आ जाएगी, और c की वैल्यू जो आई है वो वहाँ जाके पुट कर दो। इसका मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जैक्ट ये बन जाएगा। तो ये आपकी आधी एक्सरसाइज का काम है, आधी एक्सरसाइज का काम सिर्फ यहाँ तक है, आधी एक्सरसाइज का काम ये चार लाइनें और करनी है, x 0 और x समथिंग आपको जो दे रखे होंगे। ऐसे भी दिया हो सकता है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0 का मतलब है कि x की जगह तो आपने 0 पुट करना है और y की जगह आपने 1 पुट करना है, या ऐसे लिखा हुआ मिले या ऐसे लिखा हुआ मिले, बात एक ही है। या आपको स्टेटमेंट ऐसी भी लिखी हुई मिल सकती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू साइन x है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब भी डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है ना, वो आगे लास्ट में सम, दो तीन सम है बस, वो तभी आते हैं। और देखो, मान लो साइन इनवर्स पड़ा था तो उधर भेज दिया, मान लो साइन पड़ा है तो साइन इनवर्स बन जाएगा उधर जाके। अब वही काम, डी वाई यहाँ पड़ा रहे तो डी एक्स को उधर भेज दो, साइन इनवर्स एक्स के साथ डी एक्स पहुँच गए। अब इंटीग्रेशन लगा दो, वन का इंटीग्रेशन तो फिर क्या हो जाना है, वाई हो जाना है, और साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, इंटू वन लगाना पड़ेगा। इंटू वन लगा के किससे करेंगे आपका, यू इंटू वी से किए हुए हैं हमने सब प्रैक्टिस आप लोगों की। ठीक है,
तो सारे सम आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही हैं, बस प्रैक्टिस करो और करते जाओ, ठीक है ना। और देखो जैसे ये सेकंड सम का सेकंड पार्ट है, ई एक्स ई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ई माइनस एक्स डी वाई, यहाँ पढ़ा जाती है डी एक्स को उधर भेजिए, जो डी एक्स को उधर भेज दिया तो सारे एक्स वाले भी तो इधर ही आएंगे, तो ये भी तो एक्स वाला ही है सारा मटेरियल, ये भी तो नीचे ही आएगा, भेज दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं वाई होता है, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है सोचो, सोचने के लिए लो इस नीचे वाले को मैं बता देता हूँ, नीचे वाले को टी पुट करोगे तो डेरिवेटिव तैयार बैठे हैं, तो सम बन जाएगा वन अपॉइंट टी डी टी, वन अपॉइंट टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, टी की वैल्यू डालो प्लस सी, टी की वैल्यू ये नीचे वाले डालते ही अपना आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस है बस, देखो कैसे कैसे सम अलग अलग वैरायटी के आपको मिलने वाले हैं, जैसे ये सिक्स्थ पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स इसी सेकेंड सम का माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो पहले डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करने से पहले उसके साथ अगर कोई प्लस माइनस आइटम पड़ी है तो पहले वो उधर जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पढ़ाया जाती है, माइनस का एक्स साइन स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस वन बाई एक्स लॉग एक्स है। अब डी वाई यहाँ पढ़ा रहती है और डी एक्स उधर भेज दिया, अब इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया, वन का इंटीग्रेशन तो वाई हो गया, इस पे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अलग इंटीग्रेशन का निशान लगाना पड़ेगा और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स सोचो कैसे करना है इंटीग्रेशन। इसमें तो साफ सा पता चल रहा है कि लॉग एक्स को टी पुट किया जाए तो लॉग का डेरिवेटिव वन बाई एक्स साथ में बैठा ही है, वन बाई एक्स डी एक्स डी टी, और इसमें इसमें एक्स साइन स्क्वायर का क्या करेंगे, एक्स साइन स्क्वायर कभी भी आ जाए, साइन क्यूब कभी भी आ जाए, तो आपको उनका फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला वन माइनस कॉस स्क्वायर नहीं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू वाला, ठीक है, बाय वाला टू बाहर निकाल दो, एक्स अंदर भेज दो, एक्स माइनस एक्स कॉस टू एक्स, इस पर तो सिंपल हो जाएगा, इस पर यू इन टू वी लगेगा, फिर बस इधर वाई इज इक्वल टू बना ही पड़े, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने पे डिपेंड है, थर्ड का फर्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई। ये देखो अभी ये कितनी बड़ी समस्या आ गई, पर समस्या तो बहुत छोटी सी आई है, ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई करके आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो इनटू में तो पावर ऐड होती हैं, ऐड को अलग अलग कर दिया ई एक्स और ई वाई, डी वाई यहाँ पड़ा रह दिया और डी एक्स को उस साइड भेज दिया, अब डी वाई यहाँ बैठा है तो फिर ई वाई नीचे आएगा और ई एक्स के साथ पहुँच जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, ई वाई उठ के ऊपर आ गया, ई वाई ऊपर जाके ई माइनस वाई हो गया और ई एक्स यहाँ पड़ा रह दिया, अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, ई माइनस वाई का ई माइनस वाई अपॉन माइनस वन, नीचे ए वाई का कोफिशेंट या एक्स का कोफिशेंट तो लगता ही है, ई एक्स का ई एक्स प्लस सी, ये हमारा सर है बस, ठीक है ना। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, एक और देखो, प्रैक्टिस है बस और कुछ नहीं है सम में, मैं पांच सात सम करवा भी दूंगा पर करने तो आपको ही प्रैक्टिस पड़ेंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टू माइनस वाई, तो वाई के साथ एक्स डी एक्स उसके साथ टू माइनस वाई यहाँ पे हो गया और एक्स प्लस वन के साथ डी एक्स पहुँच गया, इंटीग्रेशन लगा दिया, टू का इंटीग्रेशन तो टू वाई होगा, वाई का इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर बाई टू होगा, एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन आता है तो सब कुछ ओके है, नहीं आता तो बात ये लग गया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है इस चैप्टर को करने का। एक्स वाई वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, लो जी एक्स तो उधर ही भेजना पड़ेगा, वाई अंदर भेज दिया, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, क्योंकि ये तो पहले से ही सेपरेट होए बैठे हैं अब, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन के नीचे आ गया एक्स डी एक्स के साथ। बस एक चीज़ ध्यान रखना, डी वाई और डी एक्स कभी नीचे नहीं होने चाहिए, ऊपर ही होने चाहिए नोमिनेटर पार्ट में, ये एक्स दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, ये बच गया एक तो एक्स और एक वन बाई एक्स, इसका वाई स्क्वायर और टू वाई का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई की थ्री बाई थ्री और टू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी, काम खत्म, टू से टू काट दिया, ठीक है। फोर्थ का जैसे थर्ड पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई के नीचे किसको भेज दिया, वन प्लस वाई स्क्वायर को, वन प्लस एक्स के साथ किसको भेज दिया, डी एक्स को, इंटीग्रेशन लगा दिया इसका इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला ही है टेन इनवर्स वाई, और इसका वन का तो एक्स है, एक्स का एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी। बस दो दो मिनट हो गए हैं काम तो, पर करो तो ठीक है ना। जैसे फिफ्थ का सेवन्थ पार्ट है, बड़ा लेंथी सा सम दिख रहा है, एक्स कोस वाई डी वाई एक्स ई एक्स लॉग एक्स प्लस ई एक्स और डी एक्स। अब क्योंकि डी वाई यहाँ बैठा है तो कोस वाई तो यहीं बैठा रहने दो, और एक्स को भेज दिया उधर क्योंकि डी एक्स उधर बैठे हैं, एक्स दोनों के नीचे अलग अलग चला जाएगा। पहले एक बार डिवाइड में ले आओ, फिर अगले स्टेप में अलग अलग कर देंगे। कोस वाई का इंटीग्रेशन तो साइन वाई होता ही है, और ये वाला एक्स दोनों के नीचे अलग अलग हो गया, इसके नीचे जाएगा तो एक्स से एक्स कट के ई एक्स लॉग एक्स रह गया, और ई एक्स बाई एक्स हो गया। लो जी, इस पर भी यू इन टू वी लगेगा, इस पर भी यू इन टू वी लगेगा। अब ई की एक्स वाले फंक्शन दो दो पड़े हों और यू इन टू वी का सम हो, तो फिर आपको एक को ही करना पड़ेगा ना, एक को सॉल्व करना पड़ेगा यू इन टू वी से, बस दूसरे को नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करेंगे, बस पहले वाले को ही करेंगे, क्योंकि यू इन टू वी से अगली एक्सरसाइज हम लोगों ने नाइन्थ चैप्टर में की हुई है। 9.7 यू इन टू वी की थी, 9.8 यू इन टू वी से अगली एक्सरसाइज थी, जिसमें एक को खोलना होता है दूसरा अपने आप कट जाता है। तो एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ लॉग एक्स है, यहाँ वन बाई एक्स है, तो आपने ये देखना किसका डेरिवेटिव दूसरे वाला है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी वन बाई एक्स होता है। तो हम यू इन टू वी से इसको खोलेंगे, ये यू है और ये वी है। लॉग एक्स ऐसे कैसे, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, लॉग का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और दूसरे वाला पढ़ाई है, सेम टू सेम चीजें कट हो चुकी हैं, बच गया अपना आंसर। ठीक है, ओके, बस प्रैक्टिस करो, यही सब मैं सारे, मान लो ये वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाले भी सब बताऊँ। डी वाई बाई डी एक्स टू ई एक्स वाई क्यूब वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन बाई टू, आ गया ना वही वाई ऑफ जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है और वाई की वैल्यू वन बाई टू। पर पहले सॉल्व तो करो, अभी नहीं करनी, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई के नीचे वाई क्यूब आ गया और टू ई एक्स के नीचे डी एक्स उधर चला गया। अब वन अपॉन वाई क्यूब को उठा के ऊपर ले गए, वाई की पावर माइनस थ्री टू ई की पावर एक्स, वाई के माइनस थ्री का इंटीग्रेशन माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन टू ई की एक्स का ई की एक्स प्लस सी। अब ये वाई एक्स जीरो और वाई वन बाई टू डाल दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट क्या बन गया इसका, वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस टू टू ई एक्स प्लस सी। ठीक है, अब रिजल्ट भी मनाई देते हैं, एक्स जीरो डालना है और वाई वन बाई टू डालना है, तो वो भी डाल दो। एक्स जीरो डालोगे तो टू ई पावर जीरो हो जाएगा, और वाई वन बाई टू डालोगे तो वन बाई फोर हो जाएगा, दिस वन कैंसिल वन बाई टू, जो कि ऊपर आगे माइनस टू हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बैठे टू ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस फोर, और वो सी की वैल्यू इसमें डाल के, इसमें नहीं इसमें डाल के दिखा दो, बस थोड़ा सॉल्व करो, आंसर आ गया, बस ये यहाँ से नीचे से ऊपर भेजना होगा। ओके, और देख लो कोई दो तीन सम, जैसे ये सिक्स पार्ट है, इसी सम का सिक्स पार्ट है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस वाई कॉस एक्स और वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो डालनी है, वाई की वैल्यू भी जीरो डालनी है। पर पहले सॉल्व तो कर लो, सेट तो कर लो, डी वाई के नीचे ई माइनस वाई भेज दिया और डी एक्स को कॉस एक्स के साथ भेज दिया। देखो मैंने एक बड़ी गलती कर दी, डी एक्स को आगे लिख दिया, कभी डी एक्स आगे नहीं लिखना, डी एक्स पीछे ही लिखना है। ई माइनस वाई ऊपर चला गया, ई प्लस वाई हो गया कॉस एक्स। अब आप इनका इंटीग्रेशन करो, ई वाई का ई वाई कॉस एक्स का माइनस साइन, सॉरी कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स प्लस सी। बस काम खत्म नहीं हुआ, एक्स जीरो वाई जीरो भी पुट करना है, एक्स जीरो रखोगे और वाई जीरो रखोगे तो रिजल्ट ये लो, सी की वैल्यू जीरो ही आ गई। ई पावर जीरो वन होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, सी की वैल्यू वन आ गई, और सी की वैल्यू वन जाके वहाँ पे रखोगे तो रिजल्ट आ गया ई वाई साइन एक्स प्लस वन। बस दैट्स ओके, साइन एक्स प्लस वन ऐसे लग रहा है साइन का एंगल एक्स प्लस वन है, तो आप वन को पीछे लिख नहीं जाए, आगे भी लिख के दिखा सकते हो वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, ओके, कर लेना बस प्रैक्टिस, 11.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना।